देख हर कितनी डिमांड में है, तो देख कितनी बढ़िया प्रो जैसे गेम खेलती है, प्रो जैसे प्रो प्रो नेक्स्ट लेवल। हाँ तभी तो कह रहा हूँ प्रो है प्रो। भानु मामी भी घर पे हैं और बोलते क्यों नहीं हो ब्रो आपके सामने? क्या बोलूँ बता? कुछ भी क्या बता बता, जो कहेगा वो बोलूँ। कुछ भी बोल दो। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है हम गाड़ी में, मतलब कि मेरा है पेपर, तो मैं जा रहा हूँ अभी स्कूल पेपर देने, और आज हिंदी का पेपर है। सुबह सुबह 8 बजे, आज लेट भी नहीं हुई जैसे उस दिन हो गई थी। आज कोई जल्दी नहीं है भागने की, आज रिलैक्स मोड में हैं और अर्ज को स्कूल छोड़ के आते हैं और घर आके काम करने हैं, घर के जो पेंडिंग पड़े हैं। सुबह उठो तो कुछ ना कुछ पेंडिंग होते ही हैं, रोज का काम है ये। तो भाई स्कूल आ गया, आज मैंने मास्क ही नहीं लगाया। ओ शिट, अब लगाता हूँ। ओके देन बाय। एक मिनट आगे रोकने के लिए। अरे खुला ही नहीं यार इतनी जल्दी। खुल गया। बाय 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 बाय। चलो मैं 11:15 पहुंच जाऊंगा। बाय। तो अर्श को छोड़ दिया है हमने और लोगों को पीछे से बड़ी ज्यादा जल्दी है, घर चलते हैं यार फटाफट, और घर का जो काम पेंडिंग है वो करते हैं। एडिटिंग भी करनी है अभी एक ब्लॉग की, वो भी करते हैं, और दूसरे चैनल के एक ब्लॉग की एडिटिंग भी रह गई है। और आज काफ़ी काम है, बाहर भी जाना है, हेक्टिक होगा आज का दिन। और आज शीतल और अर्श ने नानी के घर भी जाना है। तो जी बात ऐसी है कि घर के काम निपटाने के बाद अब हम, यानी घर का काम में एडिटिंग करनी थी ब्लॉग की, वो कर ली है रेंडरिंग पे वीडियो लगा के। अब मैं अर्श को लेने जा रहा हूँ, उसका स्कूल का टाइम हो गया। ये भी एक अच्छी बात हुई है कि एडिटिंग जो है वो उसके स्कूल के टाइम तक हो गई है पूरी, वरना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और फोकस और कंसंट्रेशन थोड़ी आज मैंने ज़्यादा रखी है एडिटिंग पे। हाउ वाज योर एग्जाम अर्श? ऑल गुड। हाँ ऑल गुड। कैसा? मास्क में तंग कर दिया यार। क्यों? गीला सा हो जाता है, पता नहीं गीला हो जाता है, ठोक लगती रहती है। तो दूसरा कब अगली बार से पहन जाइयो भाई। अरे मैंने टाइट भी कर रखा है ना, मेरे से लूज हो नहीं रहा था एक हाथ से। अच्छा, तो भाई लोग अब चलने लगे हैं हम फादर के साथ, शीतल और उनको छोड़ने, अर्श को, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे गुरुद्वारे अटेंड करने के लिए। सारा दिन लग गया, 3.5 घंटे लग गए बेसिकली घर से गुरुद्वारे और गुरुद्वारे से वापस इंदिरापुरम आने में। फ्लैट में आए हुए हैं देखने के लिए और फिर यहाँ से जाएंगे घर। अलमारी वो वाली तो बिल्कुल ही ख़त्म है, उधर वाली तो वो तो सारी नीचे से लकड़ी तक फूली हुई है। इस पैनल के क्या हाल है? पैनल तो ठीक है, ये पैनल भी ठीक है। अलमारी है ये भी गई हुई है, अलमारी ड्रेसिंग वगैरह ख़त्म है, ये ठीक है। इसकी दरवाजे भी सही हैं, वो अलमारी खराब है सिर्फ, और ये वाली अलमारी खराब है। हाँ ये तो हटवा देते हैं, हाँ ये वाले पल्ले उधर के काम आ जाएंगे। हाँ मेरे को लगता है प्लाई पीछे की ठीक ही होगी, और नहीं होगी तो प्लाई भी चेंज हो जाएगी, तो फ्रेश हो जाएगी सारे। पैनल ठीक है, ये वाले ये भी ठीक है, पैनल भी ठीक है। बस ये एक अलमारी, अगले वाले की ये अलमारी चेंज करा देते हैं, नई बनवा देते हैं। सुबह 11:30 बजे से निकला हुआ, सिर्फ शीतल अर्श को उनकी नानी के घर छोड़ा है, और उसके बाद हमने जाना था गुरुद्वारे, किसी की डेथ हो गई थी उठाले में, तो वहाँ पहुँचने में लगा 1.5 घंटा, और वहाँ रुके 10 मिनट, और उसके बाद वापस आने में 1.5 घंटा और उसके बाद एक फ्लैट में गए हम, जो कि रिपेयर का काम कराना था जहाँ पे, वो देख के 10 मिनट वहाँ लगाए, और अब मैं घर पहुँचा हूँ और बजे हैं 4। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस आज ये किया, अब तक इतना ट्रैफिक है। हालत टाइट हो गई, अब कपड़े वपड़े बदलता हूँ मैं, फिर उसके बाद कुछ खाने को बनाऊँगा। ये हैं चावल, ये भी चावल, और ये हैं राजमा, तो इनको गरम करते हैं, यही खा लेते हैं, साथ में बना लेते हैं चाय, मजा आ जाएगा।
खाना भी अब खा लिया मैंने और अब मन कर रहा है कि थोड़ी देर रेस्ट किया जाए और उसके बाद फिर जाने की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है, पहले रेस्ट करते हैं फिर मिलता हूँ। आज गाड़ी मैंने इधर लगा दी थी क्योंकि उधर लगी हुई है ब्रदर की गाड़ी। बाकी सब बढ़िया है और मैं बस अभी रेस्ट करके उठाऊँ और अब सोच रहा हूँ कि एक बार नीचे जाऊँ तो रेडी एक बार फिर से शीतल और अर्श को लेके आने के लिए। बस अब निकलते हैं और सीधा चलते हैं उनके घर और लेके आते हैं उनको। इस चौक पे इतना बुरा हाल होता है ना पी कार्स में, तो कोई भी कहीं से भी घुस रहा होता है लिटरली, और ट्रैफिक जाम एंड तक होता है। अब 20 मिनट से मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच के अभी चौक क्रॉस किया मैंने। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं अपने नानी के घर, मतलब कि हम सुबह चले गए थे और पापा अब लेने आए हैं रात को। अब 8 बजे आए थे, 9 बज गए हैं, अब खाना खाने का टाइम हो गया, अब खाना खाएंगे। 7 बजे आए होंगे, मैंने देखा नहीं, मैं गेम खेल रहा था। और अभी आपको सबसे मिलवाते हैं, भानु मामी भी घर पे हैं और बोलते क्यों नहीं हो आपके सामने कुछ भी, क्या बता जो कहेगा वो बोलूं। कुछ भी बोल दो। हाय यार, नानु भी, हेलो यार, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। तू जल्दी से ठीक हो? बहुत बढ़िया। नानी भी, नानी आ गई। कहा है वो यशिका, कहा है? ओके यशिका, देखो जरा तेलू बनी हुई है। तेलू, तेलू मास्टर क्या है, घूम रही यशिका? वो देखो एक, वो एक सुबह से गेम खेल रहा है और उसे कोई उसे कुछ गेम खेलने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अजय डालो करो। ते हेलो हर्षित, हर्षित यार्स, हर्षित इग्नोर कर रहा है उसका, उसका गेम आ गई ना, ज्यादा स्टाइल मार रहा है ना आजकल। कौन स्टाइल मार रहा है? हर्षित साहब क्या हो गया? स्टाइल मारता है। क्या स्टाइल मार रहा है भाई? क्या स्टाइल मार रहा है? और वो जो बोली कौन सी है, कितनी डिमांड में है तू, देख कितनी बढ़िया प्रो जैसे गेम खेलती है, प्रो जैसे, प्रो प्रो नेक्स्ट लेवल। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, प्रो है प्रो। अच्छा उन्हें चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा पापा चले चले तो जी चल रहे हैं घर। अब गाड़ी निकाल रहा हूँ बाहर, मैं स्कूल तो कल ऑफ ही है बच्चों के। क्या किया भाई अर्श आज सारा दिन तूने? गेम बाहर खेला थोड़ा। क्या यहाँ बाहर खेला था? हाँ बाहर राउंड लगा। और क्या खबर है? कोई खबर नहीं है। क्यों? घर चल के रोटी खाएंगे उसके बाद। चाची से मिला था? हाँ। और छोटे नानू से? शमी नानू से हैं? क्यों वो थे नहीं क्या? अच्छा थे नहीं आज। तो चलो फिर घर चलते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। तो लाइफ इज वन, लिव योर ड्रीम, लिव योर पैशन। गुड बाय। एंड आई कांट ब्रीथ, एवरीथिंग यू डू इज बैड। तो अभी हम बैठे हैं शीतल के घर।